પલસાણા તાલુકાના હલદરુ પાટિયા પાસે મેવાડ કટીક સમાજ દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને અનાજ કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને 65 જેટલી કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। बंटी डालचन बंसीवाल। ये कौन सा विस्तार है सर? ये कड़ोदरा। यहाँ पर क्या प्रोग्राम रखा गया था? कीट वितरण का प्रोग्राम है यहाँ पे। कैलाश भाई की वहाँ से ये महामारी में जो दान का इन्होंने शुरू किया है, अच्छी अच्छा इन्होंने काम चालू किया है। ये कोई संस्था है या निजी कैलाश? ये संस्था है, आम खटिक मेवाड़ संस्था के रूप से ये वितरण कर रहे हैं। तो आप इसमें 14 अप्रैल से, हाँ हम सहयोग कर रहे हैं और 14 अप्रैल से ये काम जारी है और अभी आगे तक भी जारी रहेगा। कहाँ तक जारी रहेगा सर ये कार्यक्रम? जब तक जरूरतमंद को जरूरत होगी तब तक जारी रहेगा। तो सरकार तरफ से आपको कोई लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ मिला है? नहीं कोई लाभ नहीं है जी। आपका इसमें क्या सहयोग है? बस इनके साथ सहकार दे रहे हम। कन्हैयालाल चौहान, आम मेवाड़ खटीक समाज सेवा संस्थान का मैं युवा उपाध्यक्ष हूँ। ये कौन सा विस्तार है सर? ये हल्दरू पाटिया है, सर्वोत्तम होटल कड़ोदरा। कड़ोदरा विस्तार, यहाँ क्या कार्यक्रम करते हैं? हम जो खटीक समाज के जरूरतमंद लोग हैं यहाँ, प्रवासी यहाँ फंसे हुए हैं जिनके काम धंधे बंद है अभी, उनके लिए भोजन सामग्री की किट लेके आए हैं। तो ये सिर्फ खटिक समाज के लोगों के लिए वितरण है या नहीं? और अगर किसी को हमें ऐसा लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है, उनको भी हम देते हैं, मना नहीं, किसी को नहीं करते हैं। जो ज़रूरतमंद है उनको सबको देते हैं। ये कब से आपने ये कार्यक्रम? ये हम चला रखा है हमने 14/4 से। 14 अप्रैल से? हाँ 14 अप्रैल। अभी तक कहाँ कहाँ पर वितरण हो गया होगा? हमने लगभग पूरी सूरत सिटी, फिर कड़ोदरा, कामरेज, कीम, कोसम्बा, चलथान। तो आपकी ये संस्था में कितने लोग आपके सहयोगी हैं? हाँ, ये हमारे एक हमारे अध्यक्ष महोदय हैं बाबूलाल जी, चंपा जी बादसोड़ा, फिर बंटी भाई डालचंद जी वागोल या कठोर, कैलाश अम्बालाल जी खींची है, कैलाश भैरूलाल जी चौहान है कामरेज से, फिर देवीलाल जी गोगुंदा है, रोड़ीलाल जी है, रमेश भाई है। तो आप ये वितरण सर्वे करके करते हैं या जिसको ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि सर्वे करते हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके काम धंधे बंद हैं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, तकलीफ में है, तो वहाँ हम पहुँच जाते हैं। आपकी टीम में कितने लोग होंगे? हमारी टीम में है साहब अभी 12-13 लोग हैं। सरकार तरफ से आपको कोई राहत आई है अभी? नहीं, सरकार तरफ से कोई राहत नहीं आई है, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम कैलाश अम्बालाल भाई खींची, निवासी कोटेरिया सूरत। ये कौन सा विस्तार है सर, कौन सी जगह है? सर ये हल्दरू पाटिया है, सर्वोत्तम होटल के पास, कड़ोदरा विस्तार के अंतर्गत आता है। और हम यहाँ खटिक समाज के जरूरतमंद परिवार है उनको हम किट वितरण कर रहे हैं। जी, आप खटिक समाज के जरूरतमंद लोगों को किट वितरण कर रहे हैं या
जो जरूरतमंद लोग हैं उनको किट वितरण कर रहे हैं। यहाँ जरूरतमंद लोग भी है और जरूरतमंद ऐसे परिवार जो कोरोना महामारी के चलते उनके काम धंधे बंद हो गए थे और बहुत ही मुश्किल में पड़ गए थे, ऐसे परिवार को हम सर्वे करके किट वितरण कर रहे हैं। ये कब से शुरू किया है सर? ये अपने 14 अप्रैल से किट वितरण की मुहिम जारी है। हमारे कैलाश जी चौहान के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी, उसको हम साथ सरकार दे रहे हैं और आगे भी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा और लोगों की फ़ोन हमें आते रहेंगे और लोगों की तकलीफ होगी तब हम लोग ये किट वितरण पहुँचाएंगे। कितना अनाज आप वितरण कर चुके अभी तक? हम 1200 किट का वितरण कर चुके हैं। और आज कितने किटों का वितरण था? आज हमारे 60 किट का वितरण हुआ है। 60 किट का वितरण हुआ है। 60 जी। आगे आपका कोई पब्लिक के लिए, समाज के लिए या आपके खटिक समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? खटिक समाज के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जिस तरह हमारे कैलाशजी चौहान ये किट वितरण की मुहिम को चला रहे और हमारे आम मेवाड़ खटिक समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी दोसावड़ा जी है जो भी इनका साथ दे रहे और हमारे साथीगण जो भी हमारी टीम के साथीगण सब साथ दे रहे और मैं खटिक समाज के जरूर ये सक्षम लोगों तक एक ही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह कैलाशजी किट वितरण कर रहे हैं उस तरह आप भी बाहर आइए और गरीब परिवार की मदद करिए। और मैं सबसे पहले तो यहाँ जो भी मीडियाकर्मी आए हैं उनका मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ जिनके माध्यम से हमारी ये किट वितरण की मुहिम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप अपने सहयोगी साथियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सहयोगी साथियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके कैलाश जी चौहान का साथ दीजिए और अपना तन मन धन से जो भी आपसे बने हमारे कैलाश जी चौहान का साथ दीजिए और हमारे खटिक समाज के जरूरतमंद को मदद पहुँचाइए।